तो नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में हर घर पाठशाला और जियो टीवी के संदर्भ से। तो आज हम सुनीता की पहिया कुर्सी भाग 4 पढ़ेंगे। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि सुनीता सुबह उठती है, उठ के तैयार होती है और तैयार होने के बाद खाना खाती है। खाना खाने के बाद माँ से इजाज़त लेके बाज़ार के लिए निकलती है और जब बाज़ार के लिए निकलती है तो उसको एक छोटा लड़का दिखता है जिसे सब लोग चढ़ा रहे होते हैं। और उसके बाद जब वो दुकान के पास पहुँचती है तो वही छोटा लड़का अमित उसको फिर से हेल्प करता है, उसकी सहायता करता है दुकान तक पहुँचने में। दुकान पहुँच कर वो उसकी सहायता करता है। दुकानदार उसको कहता है कि चीनी लेनी है या लेनी है, और दुकानदार चीनी उसकी गोद में रख देता है। और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। इस वीडियो में जो आच्छादित प्रतिफल है, नए शब्दों के अर्थ ग्रहण करके संदर्भ अनुसार प्रयोग और पढ़ी हुई विषय वस्तु पर अपना राय देना, अपनी राय देना, पढ़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है, इस पाठ में क्या होने वाला है। आगे पढ़ें। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूं। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी, जैसा कि उसकी मां ने कहा था कि 1 किलोग्राम चीनी लाना। दुकानदार ने जब उसे देखा तो वो देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने एक हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। तो सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपना आप जो है सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जब दुकानदार ने चीनी को मांगने पर उसकी गोदी में रखा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूं, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वह ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। तो अमित ने फिर से जवाब दिया कि शायद तुम कुछ पहिया कुर्सी पर चलते हैं तभी ऐसा व्यवहार करते हैं, पर इस कुर्सी पर भला ऐसी क्या बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर मैं चल पाती हूँ, लेकिन फिर मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। तो सुनीता ने कहा कि मैं वो सब काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अमित ने अपना सिर ना महलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। तो अमित ने भी ऐसा बोला कि मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। मैं भी अलग हूँ पर तुम भी अलग हो, सुनीता ने कहा। नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं, सुनीता ने कहा। नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों की तरह ही हैं, जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया, फिर से उसने सिर हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो और मेरा कद बहुत छोटा है, यानी कि जो मेरी ऊंचाई है वो बहुत छोटी है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई, अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई, जो लड़की थी जो सुनीता के पास पहले आई थी और उसने पूछा था कुछ। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया और फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे की तरफ बढ़े।
फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। तो ये कहानी थी सुनीता और उसकी पहिया कुर्सी के बारे में। और इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से सुनीता बाज़ार की तरफ निकलती है और बाज़ार में चीनी लेने के लिए जाती है। अगर दुकानदार उसे चीनी नहीं देता है, उसकी गोद में रखता है, उसे वो थोड़ा बुरा लगता है। उसके बाद वो अमित से बात करती है कि हम दोनों अलग नहीं हैं, लेकिन अमित कहता है कि हम दोनों अलग हैं। उसके बाद फिर दोनों में बातचीत करते हैं और उसके बाद अमित और वो वापस आ जाते हैं। फिर से लोग उन्हें देखते हैं, लेकिन वो लोगों पर ध्यान नहीं देती। तो ये नया कार्यपत्रक है। इस नए कार्यपत्रक को हम अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 102 101 पढ़कर भी हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए खालिस्तान भरें। तो खालिस्तान भरे में पहला जो खालिस्तान है वो इस प्रकार से है कि तुम्हारी डैश के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। तो डैश का जो डैश में भरा जाएगा वो भरा जाएगा पहिया कुर्सी के कारण ही वो ऐसा व्यवहार करते हैं। आगे है पहिया कुर्सी के डैश को घुमाकर चल पाती हूँ। तो ये वाक्य सुनीता ने कहा था, अमित से कहा था कि पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर मैं चल फिर पाती हूँ। आगे है सड़क पार करते समय डैश को फरीदा फिर नजर आई। तो फरीदा सुनीता को नजर आई थी, सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। बागेश अब सुनीता को उनकी डैश नहीं थी, तो अब सुनीता को उनकी फिक्र नहीं थी। तो ये जो पाठ में से भी आप खोज सकते हैं, ये प्रश्न उत्तर या ये रिक्त स्थान ढूंढ सकते हैं। तो सही वाक्यों के प्रयोग के आगे सही व गलत के आगे गलत का निशान लगाओ। तो सुनीता पहिया कुर्सी का प्रयोग करती थी, बिल्कुल करती, तो इसके आगे सही का निशान लगेगा। यस, ये वाक्य सही है। अमित ने कहा मेरा कद छोटा है, तो ये भी सही है, ये भी सही बताया गया है। अमित ने कहा मेरा कद छोटा है। अब दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़े थे अंत में, ये भी सही है। सुनीता को लोगों ने फिर घूरा और सुनीता फिर चिंतित हुई। जी, सुनीता को लोगों ने फिर घूरा, फिर जो तो जरूर घूरा था, लेकिन सुनीता चिंतित नहीं हुई, इस बार सुनीता चिंतित नहीं हुई। अब आगे है यदि सुनीता को तुम्हारे विद्यालय में आकर किसी तरह की परेशानी हो तो तुम उसकी सहायता किस प्रकार से करोगे। तो सुनीता जैसे दिव्यांग बच्चियों को सीढ़ियां चढ़ने या फिर सामान्य काम करने में परेशानी हो सकती हैं, तो उन्हें जिस प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो, जैसे पानी पिलाना, खाना इत्यादि देना, तो ये काम हम सुनीता के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो आपको अपने उससे सोच के लिखना है। तो ये जो कार्यपत्रक है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, तो इस पाठ से हमने ये जाना कि एक लड़की है, उसका नाम है सुनीता, वो एक दिव्यांग बालिका है, वो पहिया कुर्सी के सहारे से चलती है, वो पहली बार बाजार जा रही होती है, वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे सड़क पर जाना पसंद होता है, बाजार का नज़ारा देखना पसंद होता है, और वो खाना खा के तैयार होके अपनी माता जी की आगे लेके थैला लेकर बाजार की तरफ चलती है। बाजार जाते समय उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं खेलते हुए, एक बच्चे को परेशान करते हुए बच्चे भी दिखते हैं। फिर बाद में वो सीढ़ियों से चढ़ नहीं पाती है, वहाँ पे अजय लड़का जो था वो उसकी सहायता करता है, दुकानदार से वो चीनी लेती है, दुकानदार चीनी उसकी गोद में रखता है, वो चीज़ उसको ठीक नहीं लगती, और वापसी के समय अब वो अपने दोस्त अजय से बातचीत करती चलती है कि मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो बाकी लोग करते हैं। अजय कहता है कि हम लोग अलग हैं, सुनीता बोलती है कि हम अलग नहीं हैं।